हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हनी आमिर और फरहान सईद के रिलेशनशिप के बारे में, और उर्वा हुसैन क्या कहते हैं इस बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हानिया आमिर और फरहान सईद एक साथ ड्रामा में काम कर रहे हैं, जिसका नाम है मेरे हमसफ़र। और आप उर्वा हुसैन को भी जानते हैं, जो कि फरहान सईद की वाइफ थी, लेकिन फरहान सईद ने उन्हें डिवोर्स दे दी, जिसकी वजह से अब वो एक साथ नहीं हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना था कि फरहान सईद ने जो कि उर्वा को डिवोर्स दी है, जिसकी मेन वजह है वो हानिया आमिर है, क्योंकि हानिया आमिर फरहान सईद जो कि हानिया आमिर को पसंद करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने उर्वा हुसैन को डिवोर्स दे दी। उर्वा हुसैन क्या कहती हैं इस बारे में? उर्वा हुसैन कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो फरहान सईद ने उर्वा हुसैन को हानिया आमिर की वजह से डिवोर्स दी है, बल्कि फरहान सईद और उर्वा हुसैन के आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, जिसकी वजह से उन्होंने अलहदा होने का फैसला कर लिया। लेकिन इसके पीछे हानिया आमिर का कोई हाथ नहीं है। बहुत से लोग ये हानिया आमिर को इल्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन उर्वा ने लाइव आकर सब कुछ क्लियर कर दिया। सो फरहान सईद और हानिया आमिर में क्या चल रहा है, इनके बीच कुछ भी नहीं चल रहा, क्योंकि ये दोनों एक साथ मेरे हमसफर ड्रामा में काम कर रहे हैं, तो लोग इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह बिल्कुल भी इन दोनों फरहान सईद और उर्वा हुसैन की डिवोर्स की वजह बिल्कुल भी हानिया आमिर नहीं है। सो लोग ये गलत अफवाहें फैलाते रहते हैं। सो उर्वा हुसैन ने लाइव आकर सब कुछ सच सच बता दिया। फरहान सईद का कहना है कि अभी उनका दूसरी शादी का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, और ना ही वो अभी फिलहाल शादी करना चाहते हैं। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दे, साथ अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तो बसानी पहुँच सके। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।